हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल रोश। और जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाली हूँ एक ट्राईसाइकिल को। तो रिसेंटली काशवी का फर्स्ट बर्थडे था, मैंने एक ब्लॉग भी डाला है। काशवी है मेरे भाई की बेटी यानी मेरी भतीजी, तो उसको मैंने ये गिफ्ट दिया है ट्राईसाइकिल। और आप भी इसको 1 साल से 5 साल तक के बच्चे को गिफ्ट दे सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मैंने इसे परचेस किया है 3000 रुपीज़ में अमेजोन से। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। तो चलिए फिर आप जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके पार्ट्स के नाम बता देती हूँ, फिर इसको हम असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले है ये फ्रंट बास्केट, इसे बोलते हैं पैरेंटल हैंडल, और इसे बोलते हैं मेन फ्रेम, और ये है रेयर व्हील्स यानी पीछे लगते हैं 2 व्हील, और ये है रेयर बास्केट पीछे स्टोरेज के लिए, और ये है गार्ड रेल बोलते हैं इसे, जो बेबी है उसको गार्ड करने के काम आता है। फिर ये है बेल, और इसमें नट्स भी हैं, वो अभी मैं आगे बता दूंगी। ये है मड गार्ड जो फ्रंट का व्हील है उसके ऊपर लगेगा। ये है बैक रेस्ट, और इसे बोलते हैं कैनोपी। कैनोपी वाली जो पॉलीथिन है, इसमें 2 और चीज़ें हैं, एक है इसमें सीट कुशन और एक है डायरेक्शनल रॉड। ये है मेन सीट जिसमें बेबी बैठेगा, और ये है साइकिल का फ्रंट व्हील, बाकी ये है हैंडल। तो चलिए फिर दोस्तों, अब मैं आपको इसे असेंबल करके बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेन फ्रेम है आपको उसे ले लेना है, और जो पीछे के 2 व्हील है उनको ले लेना है। अब जो मेन फ्रेम है वहाँ पे एक होल होगा पीछे, तो जो व्हील्स हैं उसको आपको उनके साथ सेट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे ही कर लीजिए। सिंपली आपको होल के अंदर व्हील को प्रेस करना है, तो वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अब दोनों व्हील हमारे लग चुके हैं। मेन फ्रेम के पीछे साइड आप देखोगे एक की लगी है, इसे घुमा के आप निकाल लीजिए। फिर जो बैक बास्केट है उसमें एक होल है। अब जो मेन फ्रेम का होल है और जो बास्केट का होल है, उसे एक लाइन में लाके आप वो जो ब्लैक कलर का स्क्रू था यानी की था, उसे लगा दीजिए अच्छे से। अब बैक रेस्ट को मेन फ्रेम में आप इंसर्ट कर दीजिए इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ, और फिर इसे हमें फिक्स करना है बोल्ट एंड नट से। अब हम सीट को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट के ऊपर 2 होल हैं और इनमें 2 नट लगेंगे। नट्स के साथ साथ हमें एक सिल्वर कलर का टूल भी मिला है नट को टाइट करने के लिए। अब जो फ्रंट व्हील है ना दोस्तों, उसमें हमें मडगार्ड लगाना है, और फ्रंट व्हील को हमें मेन फ्रेम के साथ अटैच कर देना है ऐसे। अब हमें बास्केट अटैच करनी है, और उसके बाद हमें हैंडल लगा लेना है। फिर उसके बाद बास्केट को थोड़ा ऊपर करके, यहाँ पे आप होल देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें बोल्ट एंड नट लगा लेने। अब हम गार्ड रेल अटैच कर लेंगे, और उसके साथ ही हम सीट कुशन भी लगा लेंगे कुछ इस टाइप से। अब हमें इसमें जोड़ना है पैरेंटल हैंडल को, और इसका काम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बेबी जब तक बड़ा नहीं होता है, खुद से पैडल नहीं लगाता, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, इससे गाइड करते हैं साइकिल को। जब पेरेंटल हैंडल को हम राइट मूव करते हैं तो हैंडल भी राइट मूव होता है, लेफ्ट करते हैं तो हैंडल भी लेफ्ट मूव होता है। अब हम इसमें कैनोपी अटैच कर देते हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। बेबी की जो स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो धूप में रैशेज वगैरह हो सकते हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो ये नीचे फुटरेस्ट दिया गया है, इसे हम अनफोल्ड कर देंगे, और अब सबसे लास्ट में हमें डायरेक्शनल रॉड लगानी है। डायरेक्शनल रॉड क्या होती है, ये फ्रंट व्हील से जुड़ी होती है और पैरेंटल हैंडल से जुड़ी होती है, तभी जो हम हैंडल को राइट लेफ्ट मूव करते हैं तो तब आगे का जो हैंडल है वो भी मूव करता है। अब लास्ट में ये जो बेल दी गई है, इसे फ्रंट हैंडल में लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ट्राईसाइकिल रेडी हो चुकी है, बस अब इसमें काशवी के बैठने की देरी है। आप भी किसी के फर्स्ट बर्थडे पे ये गिफ्ट दे सकते हो, काफी काम की चीज है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। ऐसे बजाते हैं? अरे ऐसे बजाते हैं उसको। हाँ, बजाते दिखाओ। बुआ की तरफ देख के हंसो पहले। ये गूं हंस के दिखा दो काशू। हंस के दिखा दो, ये मिलेगा। लो, बुआ और दे। हाँ जा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी कनेक्टेड।